कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या काम करते हैं, यानी CMA बनने के बाद आपको क्या काम करना होता है कंपनीज में, अपने फर्म में, आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरा ओपिनियन देना चाहूंगा। CMA जो कोर्स है वो इंडिया में आज के डेट में एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आपको किसी से जॉब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन ही आपको जॉब दिलाएगी। और अगर आपको जॉब नहीं भी करना तो भी आप अपना फर्म खोल सकते हो। आप देखे होंगे बहुत सारे MBAs इंजीनियर्स डिग्री लेने के बाद चाय वाले बन जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी के फॉर्म भरते हैं। ऐसा सारे नहीं होते, IITs बहुत अच्छी है। उन कोर्सेज में क्वालिटी का डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि उसमें टॉप कॉलेजेस Tier 1, Tier 2, Tier 3 नाम का कॉन्सेप्ट है। लेकिन CMA एक ऐसा कोर्स है, सारे स्टूडेंट सेम डिफिकल्टी को फेस करते हैं और आधी अधूरी नॉलेज लेकर CMA की डिग्री आपको मिल ही नहीं सकती। इसीलिए सभी का क्वालिटी सेम होता है और जो कि इसमें एक ही इंस्टीट्यूट है उस वजह से भी सभी का नॉलेज सेम होता है। खैर, हम हमारे मुद्दे पर लौटते हैं। CMA बनने के बाद आपको क्या काम करना होता है देखते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है CMA जोया मैम ने, उन्हें आप फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो CMA बनने के बाद 3 तरीके का काम कर सकते हैं। या तो आप जॉब कर सकते हैं, अपना CMA की फर्म ओपन कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपना कोई भी बिजनेस चला सकते हैं। ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स है ये उतना ही वैल्यूएबल है जितना CA कोर्स है। जैसे CA के पास राइट्स होती है टैक्स ऑडिट करने का, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का, उसी तरह एक CMA के पास भी बहुत सारे राइट्स होती है कॉस्ट ऑडिट करने का, GST ऑडिट करने का। और ये राइट्स इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ CMA प्रोफेशनल्स के लिए ही रिजर्व रखा है। अब आप खुद सोचो, इंडिया में कितने ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कितने ही न्यू इनकॉर्पोरेट होने वाले हैं। अब एक स्पेसिफिक टर्नओवर के बाद सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। बिना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के CA अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट बना ही नहीं सकता। इसीलिए जरूरी हो जाता है हर कंपनी को अपना कॉस्ट अकाउंटेंट हायर करना। उसके अलावा बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं कंपनी के जिसके बिना कंपनी चल ही नहीं सकता, जिस वजह से CMA को हायर करना कंपनी में कंपल्सरी हो जाता है। वो इम्पोर्टेंट वर्क जैसे मटेरियल कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उसका रिपोर्ट बनाना, मटेरियल इन एंड आउट मूवमेंट चेक करना, कॉस्ट मूवमेंट, स्टॉक मूवमेंट, स्टॉक वैल्यूएशन, फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर मेंटेन करना, इन सब का रिपोर्ट बनाना होता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, बोलने लग जाए तो वीडियो आधे घंटे की बन जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट काम प्रोडक्ट की MRP डिसाइड करने में भी CMA का बहुत बड़ा रोल होता है। सारे तो मेन कोर काम CMA करते ही है, फिर भी स्टूडेंट को क्यों लगता है CMA करने का कोई फायदा ही नहीं है। दोस्तों, अब ऑडिट राइट्स कौन सी होती है देख लेते हैं। इंटरनल ऑडिट, GST ऑडिट, एक्साइज ऑडिट, स्टॉक ऑडिट। हाँ, GST ऑडिट CMA के अलावा CA भी कर सकते हैं। उसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं, जो बैंकक्रप्ट से रिलेटेड कोर्स है। और तो और CMA बनने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जितने भी फॉर्म्स होते हैं कंपनी और LLP के रिलेटेड, वो सारे CMA वेरीफाई कर सकते हैं, यानी अप्रूव कर सकते हैं। उनके साइन से वो अप्रूव हो जाता है। अगर अभी भी तुम्हें CMA की वैल्यू पता नहीं चला है तो ये जान लो, CMA करने के बाद आपको सिविल सर्विस में जाने का भी मौका मिलता है। जो UPSC कंडक्ट करती है सिविल सर्विस, उसमें जो IAS लेवल की पोस्ट होती है इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस नाम से होती है, जिसमें एक CA के अलावा CMA स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो CMA की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। धन्यवाद।